नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से तकरीबन 9 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हॉलीवुड की फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा फिल्म के शुरुआती 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में। और जानेंगे कि फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा फिल्म ने अपने शुरुआती 9 दिनों के अंदर जो है टोटल रुपए की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से जो है उतना कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन अगर इंडियन कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं कि इस फिल्म ने इंडिया के अंदर जो है एक काफी अच्छा खासा जो है बिजनेस अभी तक जो है कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा जिस फिल्म में जो है हमें क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिल रहे हैं और क्रिस हेम्सवर्थ की जो है इंडिया के अंदर जो है काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसके चलते इस फिल्म ने जो है इंडिया मार्केट के अंदर भी जो है काफी अच्छी खासा बिजनेस अपने शुरुआती 9 दिनों के अंदर जो है कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जहां इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ लगभग 9वां दिन चल रहा है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने शुरुआती 8 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल तकरीबन जो है 14 करोड़ रुपए का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, वहीं तकरीबन जो है 15 करोड़ 50 लाख रुपए का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है यह फिल्म अपने शुरुआती 8 दिनों के अंदर या ये कहें कि अपने पहले हफ्ते के अंदर इंडिया मार्केट के अंदर जो है कर चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह फिल्म इंडिया के अंदर तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर जो है इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन रहा है। हालांकि दोस्तों, आप बताओगे अगर आपने फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा फिल्म देखी तो आपको जो है यह फिल्म कैसी लगी हमें जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा और आपके इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।